दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हम अपने YouTube चैनल को कैसे ग्रो कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ एक महीने के अंदर। अगर आपके वीडियो पे 10, 12, 15 या फिर 3, 4, 5 व्यूज़ ही आते हैं तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको लाखों लाखों और हज़ारों हज़ारों में व्यूज़ लेने का ट्रिक आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और इस वीडियो को देखने के बाद दोस्तों, आपका जो YouTube चैनल है वो सिर्फ़ और सिर्फ एक महीने में ग्रो हो जाएगा, बहुत ही तेज़ी से बूस्ट होने वाला है, और सिर्फ एक से डेढ़ दो महीने में आपका चैनल मोनेटाइज भी हो जाएगा। अगर आप अपने चैनल पे काफ़ी दिनों से वर्क कर रहे हो लेकिन आपका चैनल मोनेटाइज नहीं हो पा रहा है तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, और ग्रो नहीं हो पा रहा है तो देखो गाइस, यहाँ पे मैं आपको जो ट्रिक बताने वाला हूँ उस ट्रिक को बस आपको माइंड में डाल लेना है, ठीक है। जैसे ही उस ट्रिक का आप यूज करते हो यहाँ पे दोस्तों, उसी दिन से आपका जो चैनल है वो ग्रो होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। कैसे आप ग्रो कर सकते हैं, चलो मैं आपको ये बता देता हूँ। सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर अपना YT स्टूडियो ओपन कर लिया है, कॉन्टेंट वाले ऑप्शन पर आता हूँ। जैसे यहाँ पर आऊँगा थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाता हूँ। अभी दोस्तों क्या है, हमें ट्रेंड पकड़ना है। अगर आप सर्चेबल टॉपिक पे काम करते हो तो हमें ट्रेंड पकड़ना होता है। अगर आप कोई फनी टाइप का वीडियो या फिर कुछ व्लॉग टाइप का वीडियो पे अगर आप काम करते हो, ठीक है, उस पर आपको वीडियो की क्वालिटी, थंबनेल, इस पर ध्यान देना होता है, ठीक है। टैग टाइटल उतना अच्छा नहीं रखोगे फिर भी चलेगा, बट वीडियो का क्वालिटी और थंबनेल और वीडियो में जो आपने दिखाया है वो इंटरेस्टिंग होना चाहिए, तब आपका वीडियो चलेगा, ठीक है। तो ये तो हो गया कि ब्लॉग के लिए, कि ब्लॉग आप इंटरेस्टिंग बनाओगे तो चलेगा, क्योंकि ब्लॉग ये सब जो है वो रिकमेंडेशन से चलता है, ठीक है। ब्राउज फीचर वगैरह में आप जाओगे वहाँ से ब्लॉग चलता है, या फिर फनी टाइप का कॉमेडी ऐसा वीडियो, उसे लोग सर्च नहीं करते। बट जो सर्चेबल टॉपिक होता है उससे हम कैसे अपने चैनल को ग्रो करवा सकते हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। देखो, सर्चेबल टॉपिक में आपको क्या करना होता है, सबसे पहले तो ट्रेंड पकड़ना होता है कि अभी क्या ट्रेंड चल रहा है, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं आपको बताता हूँ कि अभी चल रहा है IPL, ठीक है, और मैंने IPL पे एक वीडियो बनाया था। जैसे देखो, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो IPL पे हमने तीन वीक पहले एक वीडियो बनाया था, काफ़ी पहले हमने वीडियो बना दिया था। बट अभी अगर हम इस पर क्लिक करें तो इस पर व्यूज़ अभी कुछ दिनों से जा रहा है, एंड ये देखो 9600 व्यूज़ चला गया है, सिर्फ दो तीन दिनों का व्यूज़ है जिस दिन से IPL स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो जो भी आप मतलब वीडियो बना रहे हो बस उसमें आपको ट्रेंड पकड़ना होता है। अभी ये वीडियो वायरल होने वाला है IPL तक, आप देख लो। हम इस पर पहले क्लिक करके आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। अभी देखो इस पर 9000 व्यूज़ हैं, और अगर बात करें कि इस पर सर्च से कितने व्यूज़ आए हैं तो ये देख सकते हो, यूट्यूब सर्च से इस पर 7000 व्यूज़ आए हैं। मतलब ये वीडियो यूट्यूब सर्च में जा रहा है और इसे लोग सर्च करके देख रहे हैं, और ये रिकमेंड भी हुआ है, मतलब लोगों को रिकमेंडेशन में गया है, जिससे कि इस पर 1000 व्यूज़ है रिकमेंडेशन से, चैनल पेज से भी इस वीडियो पर व्यूज़ हैं। तो देखो, अभी व्यूज़ की बात करें तो देखो गाइज़ जब IPL नहीं था, ठीक है, जब IPL नहीं स्टार्ट हुआ था उस समय देखो आप व्यूज़ कम देखोगे, यहाँ तक व्यूज़ कम था। बट जैसे ही IPL स्टार्ट हुआ वैसे ही गाइस इस पे देखो व्यूज़ जो है सीधा ऊपर जाने लगा, और ये IPL सीजन तक ये वीडियो चलने वाला है। तो हमने दोस्तों ट्रेंड पकड़ा है, ठीक है। इसी तरीके से आपको ट्रेंड पकड़ना है। इससे देखो हमें 58 सब्सक्राइबर भी मिल चुके हैं, अच्छा खासा इससे रिवेन्यू भी हमें मिला हुआ है, और ये वीडियो वायरल भी होने वाला है, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप ट्रेंड पकड़ लो, ट्रेंड पकड़ने के साथ साथ आपको जो सर्चेबल टॉपिक होता है उसमें दोस्तों आपको टैग टाइटल डिस्क्रिप्शन पर ध्यान देना होता है, साथ ही थंबनेल। तो देखो अब यूट्यूब, ये तो वीडियो यूट्यूब सर्च में जा रहा है, अब वीडियो यूट्यूब सर्च में कैसे जा रहा है ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इस पर मैं क्लिक कर लेता हूँ एंड आपको कैसे काम करना है वो भी आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। और एक चीज़ आप ध्यान रखना, अगर आप ट्रेंड पकड़ के वीडियो बना रहे हो, ठीक है, और अभी उस चीज़ का ट्रेंड है ही, तो उस पर और भी आपको वीडियो बना देना है अगर आपका वीडियो चलने लगे तो, ठीक है। और भी 2-3-4 वीडियो बना दो जिससे कि और तेज़ी से आपका चैनल जो है वो ग्रो हो जाएगा। यहाँ पे देखो, सबसे पहले तो हमारा आप टाइटल देख सकते हो, IPL देखकर पैसे कैसे कमाए 2024, उसके बाद है IPL से पैसे कैसे कमाए बेस्ट अर्निंग ऐप 2024, ये हमने यहाँ पर डाल दिया। फिर डिस्क्रिप्शन की बात करें तो हमने देखो डिस्क्रिप्शन में, फिर यहाँ पे हमने टैग जो हमारा टाइटल था उसी को डाला, उसके बाद एप्लीकेशन का डाउनलोड लिंक हमने लगाया है, उसके बाद कुछ जो भी इसमें जानकारी था वो हमने यहाँ पे दे दिया। फिर जो हमारा ये हैशटैग आप देख रहे हो, हैशटैग काफ़ी ज़रूरी है, तभी आपका वीडियो जल्दी वायरल हो पाता है, ठीक है। गाइज आप यहाँ पे देख सकते हो, ये जो हैशटैग है टाइटल से रिलेटेड ही हैशटैग है, और उसी से रिलेटेड आपको डालना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे कॉन्टैक्ट इन्फो हमने डाल दिया, अगर आप कुछ भी लिंक वगैरह डालना चाहते हो वो आप डाल सकते हो। उसके बाद हमने वीडियो टॉपिक लिखा है, एंड यहाँ पे
तीन टाइटल जो हमारा था उसी 10 टाइटल से यहाँ पे दोस्तों हमने बहुत सारा वीडियो टॉपिक डाला है। एंड यही जो वीडियो टॉपिक है वो है हमारा यहाँ पे उसी से रिलेटेड हमने यहाँ पे बहुत सारा वीडियो टॉपिक में लिख लिया। और यही दोस्तों हमारा टैग भी बनता है, ठीक है। ऐसे SEO काफ़ी मजबूत हो जाता है अगर हम टैग ओपन करके देखें। तो यहाँ पे आप टैग देखोगे तो गाइज़ आप देखो सभी सेम वही टैग मिलेगा जो मैंने वीडियो टॉपिक में लिख रखा था, ठीक है। इसी तरीके से आपको डालना है। इस तरीके से अगर आप 15-20 वीडियो अपलोड कर देते हो अपने चैनल पे रेगुलर और अच्छे से काम करते हो, अच्छा अपना थंबनेल वगैरह बनाते हो और इस तरीके से आप काम करते हो, ठीक है, तो आपका भी वीडियो दोस्तों सर्च लिस्ट में आने लगेगा, ठीक है। सिर्फ एक दो वीडियो डाल के सोचोगे कि सर्च लिस्ट में आ जाएगा तो वैसे नहीं होता। आपको लगातार वीडियो कम से कम 20-25 वीडियो आप डालो, खुद ही आपको पता चलेगा कि स्ट्रिक से वीडियो जो है सर्च लिस्ट में आता है कि नहीं। और अगर आपका वीडियो सर्च लिस्ट में आ जाएगा, थंबनेल की क्वालिटी अच्छी होगी, तो दोस्तों आपका वीडियो भी वायरल हो जाएगा और इस तरीके से आप एक से डेढ़ महीने में अपने चैनल को बूस्ट करवा सकते हो, मोनेटाइज करवा सकते हो। आपको ये वीडियो कैसी लगी नीचे हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बता देना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करना। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद जय भारत।